फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। तो चलो फ्रेंड्स, इस बार हम सर्कुलर क्यू डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। सर्कुलर क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बहुत सारे वीडियोज मैं यहाँ पे सीरीज के फॉर्म में पब्लिश कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको सर्कुलर क्यू डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन, वो क्यू हमें यूज करना है, उस पर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलो, सबसे पहले वीडियो को जाने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए, क्योंकि रिंगिंग बेल आपको मेरे चैनल के नए वीडियोज का, वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन देता रहेगा। लीनियर क्यू क्या होता है वो सबसे पहले हम देखते हैं। तो लीनियर क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मेरे पहले डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिए और उसके बाद आप ये वीडियो रेज्यूम कर सकते हो। तो लीनियर क्यू, जो कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, वो एक बाउंड्री में अपग्रेड होता है। एक बाउंड्री में नंबर इंसर्ट किए जाते हैं और नंबर डिलीट भी किए जाते हैं। तो ये हो गया आपका लीनियर क्यू। अभी फिलहाल आप देख सकते हो जितनी कोई स्पेस अवेलेबल थी आपके क्यू में, वो सारी जगह यहाँ पे ऑक्यूपाई हो चुकी है, इसलिए हम उसे बोलते हैं कि क्यू इज फुल। और इस क्यू को ऑपरेट करने के लिए हमें दो पॉइंटर की जरूरत है। तो जो पॉइंटर हमारा फ्रंट में होता है वो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंटर, उसको हम फ्रंट पॉइंटर बोलते हैं, और जो आपके एंड में होता है उसको हम बोलते हैं रेयर एंड, और उस पॉइंटर को हम बोलते हैं रेयर पॉइंटर। अभी आप देख सकते हो कि अगर मैं इस क्यू में से कोई एक नंबर डिलीट करती हूँ, तो ये आपको पता है कि हम लीनियर क्यू में ऑलवेज फ्रंट एंड से ही नंबर डिलीट कर सकते हैं। तो ये जो फ्रंट था मेरा, मैंने वो अपग्रेड कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैंने नंबर डिलीट कर लिया। तो नंबर डिलीट करने के बाद आप सिर्फ एक बार ये सोच के देखो कि ये नंबर डिलीट करने के बाद क्या हम नया नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर देख सकते हो तो जो रेयर एंड है उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, और जो इंसर्शन ऑपरेशन होता है नया एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए, उसे हम रेयर एंड पे इंसर्ट करते हैं। तो अगर रेयर एंड पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब हम सभी एलिमेंट भी अगर यहाँ पे वन बाय वन डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पे एक लास्ट एलिमेंट अवेलेबल होता है, हमारे पास स्पेस भी अवेलेबल है, फिर भी हम यहाँ पे नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यही होता है लीनियर क्यू का डिसएडवांटेज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पेस अवेलेबल है, पर क्या हम नया इंसर्ट कर सकते हैं, नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं? हम नया एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये लीनियर क्यू का डिसएडवांटेज होता है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, डिलीट करने के बाद भी हमारा जो क्यू है वो क्यू फुल ही इंडिकेट करता है। और अगर यही चीज है तो डीक्यू करने के बाद, डिलीशन करने के बाद भी हमारा क्यू फुल है, इसीलिए ये हमारा डिसएडवांटेज हो गया है। और ये जो है ये हम रीयूज कर सकते हैं, जब सब एलिमेंट्स हम डिलीट करते हैं उसके बाद हमारा क्यू रिसेट हो जाता है, उसके बाद ही हम हमारा क्यू फिर से यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, बट ये विथ डिसएडवांटेज। सो यही अगर हमें डिसएडवांटेज इसका जो है वो सॉर्ट आउट अगर करना है, यही हमारा प्रॉब्लम है जो हमें सॉर्ट आउट करना है, तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? सो वेस्टेज ऑफ मेमोरी, ये लीनियर क्यू के साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि लीनियर क्यू में डिलीट होने के बाद, एलिमेंट डिलीट होने के बाद स्पेस अवेलेबल है, मेमोरी अवेलेबल है, फिर भी हम नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि स्पेस अवेलेबल होके भी वो यूज नहीं करना है, इसका मतलब हमारा जो मेमोरी है वो हम वेस्ट कर रहे हैं। तो यही हमारा जो प्रॉब्लम है लीनियर क्यू के साथ, वो हमें उसके लिए फाइंड आउट करना है उसका सोल्यूशन।
तो सॉल्यूशन है हमारे पास, तो सॉल्यूशन का नाम है सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू को हम रिंग बफर भी बोलते हैं और वो दिखने में ऐसे दिखता है। तो हम देखते हैं कि सर्कुलर क्यू क्या होता है। तो सर्कुलर क्यू, हमें क्यू यूज करना है तो सर्कुलर क्यू के हमारे दो फायदे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि हमारी लीनियर क्यू में जो स्पेस वेस्ट हो रही थी, वो ये सर्कुलर क्यू स्पेस वेस्टेज अवॉइड करता है। और अदर वे राउंड वी कैन से दैट कि जो सर्कुलर क्यू है वो स्पेस वाइजली यूटिलाइज करता है। इसका मतलब वेस्ट भी नहीं होती है और जो स्पेस हमारे पास है वो वाइजली यूटिलाइज भी हो जाती है। इसलिए सर्कुलर क्यू जो है वो सॉल्यूशन है ऑन द डिसएडवांटेज ऑफ लीनियर क्यू। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू आर हैविंग एनी कमेंट, यू कैन कमेंट इट इन कमेंट बॉक्स। और यहाँ पे मैं आपको सब्सक्रिप्शन लिंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ मैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट वीडियो का शॉर्टकट भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। उसकी मदद से आप नेक्स्ट वीडियो को इजीली मूव हो सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी डेटा स्ट्रक्चरिंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।